नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली न्यूज़ नेशन में। भारतीय सीमा में घुसती पकड़ी गई दो पाकिस्तानी लड़कियां, उसके बाद सेना की कार्रवाई में किस तरह से इनको एक्शन में लिया गया है, अभी मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, अभी तक आपने यही देखा होगा कि पाकिस्तान के कुछ जेंट्स यानी कि पुरुष बॉर्डर को पार करते दिखते हैं या फिर कोई आतंकवादी, लेकिन आज पाकिस्तान ने हद ही कर दी। क्योंकि पाकिस्तान की दो लड़कियां आज बॉर्डर पार कर रही थी, उसके बाद सेना ने उन्हें धर दबोचा है, और उसके बाद सेना ने क्या किया उनके साथ वो भी मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं। क्योंकि आज जो वीडियो वायरल हुई है वो हैरान करने वाली है और पाकिस्तान को शर्मसार करने वाली है कि पाकिस्तान अपने यहाँ के पुरुष को नहीं बल्कि महिलाओं को भी हथियार बनाता है और महिलाओं से भी वो कृत्य करवाता है जिसकी इजाज़त ना तो किसी देश का संविधान देता है और ना किसी धर्म का ये गुरूर है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इतना मदमस्त हो चुका है, इतना बढ़ चुका है कि आज अपनी यहाँ की महिलाओं को भी ये गंदे कारनामे कराने के लिए बॉर्डर पार कराता है। उन लड़कियों ने क्या क्या कहा है अभी मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, और अब पाकिस्तान का दीन ढोने वाला है। क्योंकि आज भारतीय सेना के पास बड़ी जानकारी मिल चुकी है, आज ये जो लड़कियां गिरफ्तार हुई हैं ये कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक संदिग्ध हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करती हैं और पाकिस्तान के कहने पे चलती हैं। क्या ये महिला होने के नाते इनको भारतीय सेना छोड़ देगी या फिर वैसा ही हाल करेगी जैसा एक आतंकी पुरुष का किया जाता है। बता दूं, भारतीय सीमा में घुसती पकड़ी गई दो संदिग्ध पाकिस्तानी लड़कियां। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी से नज़दीक से पाकिस्तान के दो संदिग्ध युवतियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वो भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रही थी। सेना के अधिकारी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात भारतीय सेना की सरला बटालियन ने चकन दाबाग क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करते हुए दो पाकिस्तानी युवतियों को देखा। इसके तुरंत बाद सेना ने उन्हें आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दे दी। इसके तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इन दोनों पाकिस्तानी संदिग्ध युवतियों को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया। महिला पुलिसकर्मियों द्वारा की गई पूछताछ में दोनों लड़कियां यही बताती निकली, एक की जो पहचान हुई है वो लबीबा जाबेर निवासी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और दूसरी की पहचान सना जाबेर निवासी अब्बासपुर तहसील कहुआ के रूप में हुई है। भारतीय सेना के प्रवक्ता ने बताया कि हमारे जवानों ने लड़कियों को भारतीय सीमा क्षेत्र में घुस आने के बाद स्वपूर्ण संयम का परिचय दिया। उनकी पहचान की ओर इन लड़कियों का प्रत्यावर्तन नियमों के तहत वापस पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी कि भारतीय सेना एक सेना ही नहीं बल्कि धर्म मानवता को मद्देनज़र रखने वाली सेना है, वो हिंसाकारी सेना नहीं है। वो कह सकते हैं कि भारतीय सेना एक जागरूक, समझदार और लोगों में भावनाएं बनाने बरकरार रखने वाली सेना है, और आज वही किया है भारतीय सेना ने कि उन लड़कियों को फिर से पाकिस्तान भेजने की कार्रवाई कर दी गई। लेकिन पाकिस्तान को सोचना चाहिए, यहाँ पर पाकिस्तान की इज्जत शर्मसार हो चुकी है कि पाकिस्तान अब अपने यहाँ पुरुष को नहीं अपने यहाँ के जेंट्स को तो बॉर्डर पार कराता ही है, घुसपैठ कराता ही है, लेकिन आज पाकिस्तान ने अपनी लड़कियों को बॉर्डर पार कराने की कोशिश की जिससे भारतीय सेना ने उनकी गजब की ठुकाई की है। आज पाकिस्तान भी समझ चुका होगा और आज विश्व के सारे देश समझ चुके होंगे कि ये दया निधि की भावना दिखा सकती है तो भारतीय सेना, बाकी किसी सेना में इतनी हिम्मत नहीं है। हमने आपको बता दिया है कि ये लड़की कहाँ की रहने वाली थी, इनका मकसद क्या था बॉर्डर पार करने का, और इन्होंने सीमा पार कैसे की, और पाकिस्तान के सेनानियों ने पाकिस्तान के आतंकियों ने इस लड़की की कितनी मदद की आप वीडियो देखकर समझ चुके होंगे। और आज इस बात का खुलासा हो चुका है कि पाकिस्तान अब किसी भी तरह से घुसपैठ कराने में पूरी कोशिश करता है, चाहे वहाँ के बालक हों, छोटे बालक हों, या कोई लड़की हो, नाबालिग हो या वयस्क हो, जो भी हो वो हमेशा हर एक इंसान को दांव पर लगा देता है। यानी कि अब
पाकिस्तान का आतंकवाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सर पर भी चढ़ चुका है और वो भी कहीं ना कहीं आतंकवादी जैसी हरकत करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये पहली घटना ही ऐसी होगी जहां पर लड़कियां बॉर्डर पार कर रही हैं, जहां पर लड़कियां घुसपैठ कर रही हैं, और ये कहीं नहीं बल्कि पाकिस्तान की लड़कियाँ हैं। और भी कई ऐसे दुश्मन देश हैं, लेकिन कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला। तो आज पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई, वहीं पर पाकिस्तान का हिल चुका संविधान, क्योंकि पाकिस्तान ने लड़कियों से घुसपैठ कराने की कोशिश की है और जिस कोशिश पर पानी भी फिर चुका है, क्योंकि भारतीय सेना एक्शन में थी और भारतीय सेना ने उन्हें धर दबोच लिया। तीसरा, हमने आपको बताया एक लड़की POK की रहने वाली थी, दूसरी भी POK की ही थी, यानी दोनों लड़कियां पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि कश्मीर का वो इलाका जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिस पर पाकिस्तान अपना अधिकार बना बताता है, उसी जगह से आई थी लड़कियां और सीमा पार करने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त महिला बटालियन ने उन दोनों लड़कियों को गिरफ्तार किया, पूछताछ की गई और यहाँ तक कि अभी भी वो लड़कियाँ भारतीय कस्टडी में हैं। जैसे ही वो छूटती हैं, या तो उन्हें इज्जत वापस भेज दिया जाएगा या तो उन्हें जेल में रखा जाएगा। अगर कोई बड़ा सिनाग निकलता है या कोई बड़ा हादसा दिखता है भारतीय सेना को, तो शायद उनको अपने पास ही रख लेंगी, यानी कि जेल नहीं तो बेल, या तो फिर उनको इज्जत से पाकिस्तान लौटा दिया जाएगा। तो आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय लिखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो सच और सच्चाई दुनिया के सामने होगी। पाकिस्तान आज बर्बाद हो चुका है, पाकिस्तान आज वो हरकतें करने लगा है जिसकी परमिशन ना तो पाकिस्तान का संविधान देता है और ना ही उसका धर्म देता है, लेकिन फिर भी संविधान से बढ़ के धर्म के बढ़कर पाकिस्तान का आतंकवाद है, इसीलिए आतंकवादियों की नींद पर चल रहा पाकिस्तान। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आज की खबर दबनी नहीं चाहिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।